फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक हर्बल किचन विद मी जसविंदा जैसी। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जो खाने में तो जितना स्वादिष्ट है उतना ही बनाने में भी आसान है। छोटे छोटे टिप्स के साथ आज हम बनाते हैं गाजर का हलवा। आइए आप देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। बट उससे पहले आप मेरे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए, एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें कभी भी। तो करते हैं स्टार्ट गाजर का हलवा या गजरेला। 1 किलो गाजर लिए हैं, ऐसी रेड कलर की बिल्कुल लाल लाल गाजर ली हैं। उसके बाद हमने इसको धोकर इसको ग्रेटर कर लिया, मीन्स कद्दूकस कर लिया। तो आगे का प्रोसीजर इसकी बात करते हैं। जो गाजर है हमने कम से कम 10 मिनट ऐसे पकाया है फुली आंच पे, मैंने टाइम नोटिस किया, आंच बिल्कुल धीमी नहीं की, अभी भी फुल आंच है। तो अब हम इसमें 1.5 किलो गाजर थी तो हम 1.5 किलो इसमें दूध डालेंगे। ये हमने इसमें 1.5 किलो दूध डाल दिया। अब हम 1.5 किलो दूध डालकर इसको फिर हम फुली आंच पे पकाएंगे जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता। अब इसका कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बाद में बता दूं। अब हम इसको ऐसे ही हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, और इसका चम्मच थोड़ी देर बाद तो बिल्कुल ही छोड़ना। अभी तो जैसे इसमें दूध है तो आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हो, 1-2 मिनट के लिए। जब ये पकने लगे तो आपने चम्मच को हिलाते जाना है, बीच में चम्मच नहीं छोड़ना, ताकि आपकी जो ये गाजर है वो बेस पे ना लगे, नहीं तो चिपक जाएगी। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो ऑब्वियसली चिपक जाएगी, तो आपका जो हलवा है, जो वो आप गजरेला बना रहे हो, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता। आप देख सकते हो हमारा जो गाजर का है, गजरेला है, वो बनके रेडी हो गया है। लास्ट मिनट पे हम इसमें डालेंगे चीनी। ग्राम के करीब चीनी डालती हूँ, हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये पूरी तरह से चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, मिल नहीं जाती, तब तक हम इसको पकाएंगे। चीनी बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हल्का सा पकाएं। आप थोड़ा रोस्टेड करके भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, मैंने इसको ऐसे कच्चे सीधे डाले, ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अब चीनी थोड़ी सी कम से ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, क्योंकि कुछ कम चीज चीनी खाते हैं तो कोई थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, तो आप उससे कम या ज़्यादा चीनी की जो है मात्रा कर सकते हो। ये हमारा जो है गाजर का बन के रेडी हो गया है, तो हम अभी इसको परोसते हैं। ये मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दिया है, गर्मा गर्म जो गाजर का है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। ये लीजिए हमारा गाजर पा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी खुशबू एंड इसकी जो लुक है दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और सर्दियों का लुत्फ उठाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।